लाइफ में कभी कभार हम लोग कुछ ना कुछ चीज भूल जाता है, कुछ ना कुछ चीज हम लोगों का दिमाग से डिलीट हो जाता है, लेकिन दो चीज है अभी कोरोना काल में जो आपका दिमाग से ट्रेवल करते वक्त कभी डिलीट नहीं होना चाहिए। एक है मास्क और दूसरा नंबर है सैनिटाइजर। ये दो चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ट्रेवल के लिए। वेलकम टू वॉल्वो एंड स्कैनिया लवर्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है नीलंबर और आज हम लोग जर्नी करने वाले हैं डॉल्फिन वॉल्वो बस में। डॉल्फिन बस सर्विस का ये वॉल्वो B11R मल्टीएक्सल 13.8 मीटर बस है। इसमें 2x2 सीट्स है एंड लास्ट फ्लोर छोड़ के सभी सीट सेमी स्लीपर है। बोर्डिंग कंप्लीट हो गया था इसलिए हम लोग का बस 5 मिनट पहले दुर्गापुर सिटी सेंटर बस स्टैंड से पूरी की तरफ चलना स्टार्ट कर दी थी। और ये बस का जो रूट है सिटी सेंटर से मुचीपारा होके दुर्गापुर बैरेज तक जाती है। ये बस अभी हम लोग मुचीपारा की तरफ जा रहे हैं। शाम को 3:30 बजे देवघर से खुलने के बाद ये बस आसनसोल से खुलती है रात को 8 बजे, दुर्गापुर से खुलती है रात को 9:30 बजे। हम लोग पहुंच गए मुचीपारा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सिस्टम अवेलेबल है सीट बुकिंग के लिए। रेडबस या जितना भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है सब में टिकट अवेलेबल है। अगर आप चाहे तो काउंटर में भी फ़ोन करके सीट बुक कर सकते हैं। काउंटर का फ़ोन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। और एक बात जो कि बोलना है मेरे को, अगर आप काउंटर बुकिंग करेंगे तो कुछ फेयर में आपको डिस्काउंट मिलेगा। क्रॉस करने के बाद हम लोग दुर्गापुर बैरेज पहुंचने वाले हैं।
आसनसोल से पुरी तक चलती थी, अभी रूट एक्सटेंड होके देवघर से पुरी रूट हुआ है। देवघर से छोड़ने के बाद ये बस धनबाद, आसनसोल, दुर्गापुर होके बिष्णुपुर, खड़गपुर, कटक, भुवनेश्वर होके पुरी पहुंचती है। पहले ये बस दो स्टेट कवर करती थी, अभी ये बस कवर कर रही है थ्री स्टेट्स। पहले ये बस कवर करती थी ओनली बंगाल एंड ओडिशा, अभी ये बस कवर करती है झारखंड, बंगाल एंड कर 11 मिनट और हम लोग बेलिया तोर क्रॉस कर रहे हैं। बेलियातोर क्रॉस करने के बाद अभी हम लोग एक जंगल क्रॉस कर रहे हैं जो बेलियातोर जंगल बोल के जाना जाता है। ये बहुत ही डेंस जंगल है और इस जंगल का बीच से वॉल्वो जर्नी, वो भी नाइट में और उसमें फ्रंट रो, भाई साहब मतलब वो फीलिंग बोल के नहीं मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ, ना लिख के डिस्क्राइब कर सकता हूँ ना बोल के। हो रहा है 10:35 और हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं हेबीर मोड़। ये जो रास्ता जा रहा है इसका राइट साइड चले जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे मेजी, और सीधा चले जाएंगे तो आप खड़गपुर की सड़क पर पहुंच जाएंगे।
आइला कॉल कर दियो। हेलो डबल वन साफ करो पहुंच जाएगी गाड़ी। हम लोग पहुंच गए हैं ओंदा। इधर 20 मिनट का हॉल्ट दिया गया है डिनर के लिए। बहुत भूख लग गया था तो मैंने 5 रोटी और एक प्लेट मटर पनीर ऑर्डर किया था। मेरा बिल हुआ था 95 रुपीज। खाना अच्छा था, मीडियम क्वालिटी का था, उतना अच्छा भी नहीं था और क्वांटिटी ठीक ठाक था। डिनर करने के बाद गाड़ी छोड़ने वाले और अभी इधर से कैप्टन चेंज हो गया। जो कैप्टन दुर्गापुर से डिनर स्टॉप तक चला के लेके आए थे वो अभी चले जाएंगे रेस्ट करने के लिए। और दूसरा जो कैप्टन है जो अभी रेस्ट कर रहे थे वो अभी गाड़ी का इंचार्ज हो जाएंगे। हम लोग अभी बिष्णुपुर जंगल क्रॉस कर रहे हैं। ये जंगल बहुत 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 गहरा है और इसमें काफ़ी सारा वाइल्ड एनिमल्स भी दिखने को मिलता है। रात को 12:33 हो चुका है और हम लोग अभी गौड़बेता क्रॉस कर रहे हैं।
अभी हम लोग कौंसाबुती रिवर क्रॉस कर रहे हैं जो मिदनापुर में है।
दुर्गापुर बाईपास क्रॉस करने के बाद हम लोग अभी बालासोर की तरफ जा रहे हैं। डॉल्फिन वॉल्वो बस झारखंड वेस्ट बंगाल ये दो स्टेट क्रॉस करने के बाद फाइनली ओडिशा स्टेट में घुस चुका है। हम लोग क्रॉस कर रहे हैं बालासोर। टाइम हो रहा है सुबह 3:55।
एंड बायोब्रेक दिया गया है बालासोर बोल के जाएगा है उन जगह में। गाड़ी यहाँ पे 15 मिनट रुकेगी। टी ब्रेक के बाद फिर कैप्टन चेंज हुआ है। जो कैप्टन रात में गाड़ी चलाए थे वो कैप्टन फिर चले गए रेस्ट करने के लिए, और जो हम लोग का फर्स्ट कैप्टन है वो अभी गाड़ी का इंचार्ज हो गया है और गाड़ी भद्रुक की तरफ चलने लगा है। फ्लाईओवर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, इसलिए हम लोग भद्रुक टाउन के अंदर से जा रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है 6:25 और हम लोग पहुंच गए हैं पानी कोयली।
हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं महानदी रिवर ब्रिज जो कटक से पहले है। ये ब्रिज लेंथ में 2.1 किलोमीटर लंबा है और ये ब्रिटिश टाइम में बनाया गया। कटक लिंक रोड में पैसेंजर ड्रॉप करने के बाद बस चलने लगे भुवनेश्वर की तरफ।
ये रही बस और पूरी यहाँ से जस्ट 42 किलोमीटर। वेलकम टू पूरी। कटक क्रॉस करने के बाद बहुत ही मेरे को टायर्ड फील होने लगा था, तो मैंने थोड़ा सो गया था और मेरा नींद खुला था एकदम पूरी पिपली बाईपास में। यहाँ से पूरी 42 किलोमीटर है, तो मैंने जब कैप्टन साहब को पूछा कि भुवनेश्वर कैसे आया, भुवनेश्वर से कैसे आया, बोले कि बारामुंडा बस स्टैंड से फिर यू टर्न लेके हाईटेक स्क्वायर से हम लोग पूरी का रास्ता पकड़े हैं और वही रास्ते से हम लोग अभी तक आए। पूरी यहाँ से 6 किलोमीटर है, 12 घंटा कंटिन्यूअस जर्नी के बाद हम लोग पहुँचने वाले हैं पूरी। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं पूरी मसीरबरी बस स्टैंड और डॉल्फिन बस सर्विस को मैं रिकमेंड करूंगा सभी पैसेंजर्स को, क्योंकि इसका जो सेफ्टी है, इसका जो कोविड प्रोटोकॉल है और इसका जो ड्राइवर अटेंडर इधर जितना भी स्टाफ है सबका जो बिहेवियर है बहुत ही हम्बल है एंड डाउन टू अर्थ है। आपका प्रॉब्लम सुनता है, तुरंत रिजर्व उसको रिजर्व भी कर देते हैं और आपका हर सीट में USB चार्जिंग भी है,